नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप जो यहां पर प्लांट देख रहे हो, इसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूं। ये बासिल का पौधा है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मच्छर मस्किटो को भगाते हैं, उनको देख कर मच्छर हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। उनको देखकर या उनके पत्ते को के स्मेल से। तो इसमें पहला नाम मैं बासिल का दे रही हूँ, जिसके पौधे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी की ये भी तुलसी की वेराइटी का है, और इसलिए मैं दूसरे नंबर पर आपको तुलसी शेयर कर दे रही हूँ। तुलसी का प्लांट भी मच्छर को भगाने में काम करता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है ये आपका लेमन ग्रास। ये इसकी सुगंध नींबू के जैसे ही होती है। मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बात करनी है, मुझे केवल ये आपको शेयर करनी है कि इसके पत्ते को भी रब करके अगर अपने स्किन पर लगा लिया जाए तो मच्छर दूर भागते हैं। दोस्तों, चार नंबर पर आपका जाना माँ पहचाना ये पुदीना, जो मिंट है, ये भी मच्छर के लिए पसंद आने वाला चीज़ प्लांट नहीं है। इसके स्मेल से वो दूर भागता है। दोस्तों, पांच नंबर पर है आपका ये पिपरमिंट, जिसको बोलते हैं, जिससे पुदीन हड़ा भी बनाई जाती है, और ये भी इसका स्मेल भी बहुत बुरा लगता है मच्छर को, मस्किटो को, और इसलिए इसके पत्ते को भी रब करके अगर आप अपने स्किन पर लगा लेते हैं तो मच्छर आपको नहीं काटते हैं, या इसको इसका पेस्ट बनाकर अगर कहीं अपने रूम में डाल देते हो तो भी मच्छर आपके भागते हैं। दोस्तों, छः नंबर पर ये आपका आ रहा है लेवेंडर का प्लांट, जिस पर मैं पहले भी वीडियो आपको शेयर कर चुकी हूँ। ये फंगस वगैरह को भी दूर रखता है, साथ में मस्किटो को भी इससे परेशानी होती है। दोस्तों, सात नंबर पर जिरेनियम फ्लावर जो है, उसके प्लांट के पत्ते भी बहुत करे लगते हैं, बूढ़े लगते हैं मच्छरों को, और वो इससे दूर भागता है। दोस्तों, आठ नंबर पर आता है आपका गेंदा, यानी मेरी गोल्ड के पत्ते जो हैं, उसको ऐसे भी हम लोग एंटीसेप्टिक मानकर उसको मसल कर जहाँ पर कटे हुए रहते हैं वहाँ लगाते हैं। अगर इस तरह से इसके पत्ते को मसल कर लगा लिया जाए स्किन में तो मच्छर आपको नहीं काटता है। नाइन नंबर पर दोस्तों, आपका जाना पहचाना ये गुलदाउदी जो है, गुलदाउदी के पत्ते भी मच्छर के लिए अच्छे नहीं लगते उनको, वे इससे दूर भागते हैं, और इसलिए आप इसको भी मसल कर अपने स्किन पर लगा सकते हो तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे। दोस्तों, दस नंबर पर आता है कैटनिप, जो प्लांट मेरे पास नहीं है, जो कैट को प्रभावित करती है और कैट उसको उसके पत्ते को खाती भी है, वो प्लांट मेरे पास नहीं है, लेकिन कैटनिप का जो पौधा है वो भी मच्छर भगाने के काम में आता है। बारह नंबर पर दोस्तों, आपका सेज प्लांट, यानी रोजमेरी भी मच्छर के लिए खतरनाक होती है, उसको पसंद नहीं आती है, और वो उससे भी आपके मच्छर भागते हैं, आपके घर में नहीं आते हैं। तो आप इनमें से जो भी प्लांट आपके पास हो उनको उनका व्यवहार कर सकते हैं, मच्छर को भगाने के काम में ला सकते हैं, इनके पत्ते को रब करके अपने स्किन पर लगा सकते हैं, रब करके किसी कटोरे वगैरह में करके अपने घर में रख दे सकते हैं, या फिर बासिल जैसा पौधा है तो उसको छोटे बर्तन में पॉट में लगा कर और शाम होते अपने घर में रख ले सकते हो। तो मैं आज इसी को आपसे शेयर करते हुए कि मच्छर भगाने में भी हमारे प्लांट हमारे सहायक होते हैं, ये इसी को मैंने आज आपसे शेयर की है। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक आप कर दिया करो, और अगर आप नए हो चैनल पर तो बोकारो गार्डन को आप सब्सक्राइब कर लो। मैं चलती हूँ, अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।